अंकुश, मगर भाभी भाभी मत बोलो, शिल्पा नाम है मेरा। शिल्पा, आई ऑल्सो लव। नमस्कार, मैं अभिनव पराशर एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। प्यार ही रिश्तों का आधार होता है। दुनिया में प्यार से बड़ी ना कोई दौलत है ना कोई ताकत, और शादीशुदा जिंदगी तो मोहब्बत की पटरी पर ही आगे बढ़ती है। हमारी आज की कहानी भी उसी मोहब्बत की तलाश की है। शिल्पा, मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है। तुमसे अच्छा तो किसी काम वाली वाई से शादी कर लेता मैं। दरवाजा खोलो। अरे अंकुश आओ, कैसे हो? आओ, ठीक हूँ भाभी। नाश्ता कर लो। नहीं नहीं, ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है तो मैं बस सर से एक फाइल लेने आया था, तो बस। गुड मॉर्निंग सर। अरे अंकुश बैठो, साथ नाश्ता कर लेते हैं फिर चलते हैं। ओके सर। शिल्पा, अंकुश के लिए भी चाय नाश्ता लेकर। अच्छा हाँ, लाती हूँ। अंकुश कितना केयरिंग है, इसके आने से सुकून और खुशी मिलती है। आज अंकुश से बात कर ही लेती हूँ। अंकुश, अरे भाभी, आपने क्यों इतनी? ओह सॉरी सॉरी, गलती से हो गया। कोई बात नहीं भाभी, वो तो आपने जानबूझ के थोड़ी किया है। अंकुश, आपने वॉशरूम में धो के आओ। यस सर।
जंगली कहीं की अकल नहीं है, हाथ में लफा मार गया तुम्हारे, पता नहीं कब सुधरेगी। कितनी बार बोला है कि बाहर वाले के सामने इज्जत से पेश आया कर, कब सुधरेगी तू? सर कोई बात नहीं सर, हो जाता है, इंटेंशनली थोड़ी किया है सर। ऑफिस के लिए लेट हो चल। सर अरे अंकुश आओ, कैसा आना हुआ? भाभी वो सर अपनी पेन ड्राइव भूल गए थे तो बस वही लेने के लिए आया हूँ। वो एक्चुअली उन्होंने कहा है कि पेन ड्राइव लैपटॉप वाले बैग में ही है। अच्छा ठीक है बैठो। हाँ और कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा ठीक है यहीं पे बैठो, मैं लेकर आती हूँ। जी ओके ओके okay. और हाँ इस बार चाय पीकर ही जाना। ओके बचाओ भाभी। हाँ हाँ भाभी बचाओ, मुझे बचाओ बचाओ। क्या हुआ भाभी? छिपकली चिप चिप उधर है चिपकली। मैं देखता हूँ कहाँ है? वहीं पे है। ओके डोंट वरी कुछ नहीं करेगी। इधर है देखो। वेट मैं देखता हूँ। तुम निकालो उसे अंकुश। भाभी वो चली गई है, कोई नहीं है यहाँ पर। नहीं है। एक मिनट आप एक काम करो, अपना हाथ दो और मुझे और नीचे आ जाओ। आ जाओ पक्का? हाँ कुछ नहीं है यहाँ पे, सब चल जा चुकी है वो। भाभी कुछ भी तो नहीं है, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। मुझे पता है कुछ भी नहीं है यहाँ। मतलब? मैं तुम्हें यहाँ बुलाना चाहती थी, तुम्हें मैं सीने से लगाना चाहती। भाभी अब ये क्या कर रहे हो आप पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ मैं पागल हो गई हूँ अंकुश, तुम्हारे प्यार में। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मत जाओ ना अंकुश, मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती, वो मुझे मार देगा, वरना मैं अपने आप को मार दूंगी। भाभी ये क्या कह रहे हो आप? मैं सच कह रहा हूँ अंकुश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अंकुश। भाभी देखिए मैंने देखा उस दिन जो कुछ भी हुआ था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सब करें। मुझे देखो अंकुश, एक बात बताओ, उस दिन जब मुझे मार खाते हुए तुमने देखा तो तुम्हें बुरा नहीं लगा? तुम्हें बुरा नहीं लगा, सच बताना अंकुश। मेरे तरफ देखो अंकुश, क्या तुम्हें फील नहीं हुआ? सच बताओ। भाभी देखिए मेरी बात सुनो आप, ये जो भी हो रहा है वो गलत है। अंकुश कुछ नहीं गलत हो रहा है। मगर तुम बताओ, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है तो तुम यहाँ जा सकते हो। और हाँ आइंदा मैं अपनी शक्ल तुम्हें नहीं दिखाऊंगी कभी। अगर अभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है तो मुझे सीने से लगा लो अंकुश। भाभी मुझे सीने से लगा लो अंकुश। भाभी I'm sorry. अंकुश अंकुश भाभी आपने क्यों इतनी सॉरी गलती से हो गया।
अकल नहीं है? हाथ में लकवा मार गया तुम्हारे, पता नहीं कब सुधरेगी। कब सुधरेगी तू? सर कोई बात नहीं सर। अंकुश मगर भाभी भाभी मत बोलो, शिल्पा नाम है मेरा। शिल्पा आई ऑल्सो लव। अंकुश सर, ओगरवाल कंपनी का क्या हुआ? सर अभी तक तो पेमेंट आई नहीं है, फॉलोअप चल रहा है। रिमाइंडर मेल भेजो उसको। जी जी सर। सर ये ठीक है सर, ये इसको चेंज करो। ठीक जी सर। डू इट फास्ट। जी जी सर। सर मेरे ख्याल से ये जो अमाउंट है ये हमको एक बार फिर से चेक करना चाहिए। रीचेक करो और इसको डन कर दो। या सर मैं चेक कर लेता। सर मैं कॉल हेलो। हाँ क्या हुआ? हेलो स्टैंड पे क्यों फोन किया? सर सामने ही बैठे हुए। बस तुम्हारी याद आ रही थी। पागल हो? मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? अरे सुनो ना, आज रात घर आ जाना। क्यों? आज त्रिलोक बाहर जा रहा है, उसका कोई दोस्त आ रहा है यूएस से और वो वहीं पे ही पार्टी करेगा। तो तुम भी इधर आ जाना, हम दोनों पार्टी करेंगे। अरे यार खत्म करो ये फोन, मेरा बचपन का फ्रेंड आया, मुझे मिलने जाना उससे। हाँ सर आप चले जाइए ना सर, मैं बाकी की प्रेजेंटेशन देख लूंगा सर। ठीक है।
यार हम लोग कब तक ऐसे ही मिलते रहेंगे? जब तक ये त्रिलोक नाम का शैतान हमारी जिंदगी में तो तुम डाइवोर्स ले लो। पागल हो गए क्या? क्यों? वो मुझे मार डालेगा। स्टैंड पर कौन आया होगा? घबराओ मत, मैंने ही खाना ऑर्डर किया था। फिर ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं देख के आती हूँ। ओके। यार भूख तो मुझे भी लगी थी। आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगा। सर 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 हाँ सर 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 तोड़िए सर सर तोड़िए उसको सर अंकुश, ये क्या कर दिया तुमने? अंकुश, मैं तो तुम्हें बचा रहा था, लेकिन अब तुम कह रही थी ना कि ये तुम्हें मार डालेगा, हाँ? तो मैं तो तुम्हें बचा रहा था ना, है ना? हाँ। सुनो, मैं सब ठीक कर दूंगा, हाँ? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ, हाँ? बहुत करती हूँ। बस मैं इसको ठिकाने लगा दूंगा, हाँ? तो बस तुम और मैं, हम दोनों अकेले, है ना? हाँ। थोड़ा सा प्यार और अपनापन किसी को भी टूटने से बचा सकता है। सीमा को जिंदगी में एक सच्ची मोहब्बत की तलाश थी और यही तलाश उसे एक गहरे दलदल में घसीटते हुए ले गई। अगर त्रिलोक उसकी भावनाओं को समझ पाता तो ना तो आज उसकी शादी टूटती और ना ही उसकी जान जाती। रिश्तों को प्यार की जरूरत होती है, पर अफसोस त्रिलोक को ये बात समझ में नहीं आई और त्रिलोक ना ही सीमा को वो प्यार दे पाया और ना ही वो अपनापन। आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग सतर्क रहें, होशियार रहें। जय हिंद।